नमस्कार, खबर दिन भर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम देखेंगे देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी सदस्य चर्चा के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति में योगदान देंगे। पीएम ने कहा कि आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को आज तेज गति से साकार करने का यह स्वर्णिम अवसर है, इसलिए इस दशक का भरपूर उपयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, यह देश की आकांक्षाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश की जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजा है, वे इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग जरूर करेंगे। इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की भी निंदा की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दिन हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि जो संविधान हमें अभिव्यक्त की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतना ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने यहां मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लागत का 1.5 गुना कीमत देने का निर्णय लिया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करती है। कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर नोएडा पुलिस ने कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत 6 पत्रकारों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। नोएडा के एक समाजसेवी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कांग्रेस नेता थरूर तथा कथित पत्रकारों ने दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन से संबंधित अपुष्ट खबरें चलाई तथा ट्वीट किए, जिससे हिंसा में बढ़ोतरी हुई। फिलहाल इस शिकायत के बाद दिल्ली हिंसा पर गलत खबर देने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इंडिया टुडे मैनेजमेंट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को नोटिस देते हुए 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर रहने और 1 महीने की सैलरी काटने का फरमान दिया है, जिसके बाद राजदीप ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिससे नया विवाद पैदा हो गया। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले अयोध्या के धन्नीपुर गांव की 5 एकड़ जमीन पर जो मस्जिद बन रही है, अगर वहां कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना दोनों ही हराम है। ओवैसी कर्नाटक के बिदर में आयोजित कार्यक्रम सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं, हकीकत में मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद जीरार है। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। वैसी जहां मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह ने किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन को समर्थन देने का ऐलान किया है। BKU के सदस्य कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर धरने पर बैठे हैं। रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने पिता की ओर से खुलासा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत एवं प्रवक्ता राकेश टिकैत को समर्थन देने का निर्णय लिया है। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि चिंता मत कीजिए, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए सबको एक होना है और एक साथ रहना है। बता दें कि बीते 2 महीनों से टिकैत किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने दशकों पुराने इजराइल फलस्तीन के बीच चल रहे विवाद के समाधान की दिशा में प्रगति की उम्मीद जताई है।
गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विवाद के हल के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर आधारित एक वास्तविक शांति प्रक्रिया की बहाली के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका प्रशासन का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां से प्रगति की उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो बाइडेन प्रशासन में इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद सुलझ जाएगा। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों को बरी कर दिया है। इस पर अमेरिकी प्रशासन ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि आतंकवाद से पीड़ित लोगों का बड़ा अपमान है। बता दें कि वर्ष 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद पत्रकार का सिर कलम कर हत्या कर दी गई थी। डैनियल पर्ल की हत्या के आरोपी अहमद उमर शेख को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी रिहाई का आदेश दिया है। शेख अलकायदा का आतंकवादी है। अमेरिकी पत्रकार के परिवार ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि न्याय का पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है। कर्नाटक के डिप्टी CM ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीधी तकरार पैदा हो गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग की थी। इस पर नाराज कर्नाटक के डिप्टी CM ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर डाली है। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में ही रहेगी। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत भी बिफर गए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी पर तत्काल फैसला देने वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद निपटाने पर आखिर चुप क्यों है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को नवम्बई के वार्षिक न्यायालय ने 6 फरवरी को अदालत में पेश रहने का आदेश दिया है। राज ठाकरे पर साल 2014 में टोल वसूली के खिलाफ किए गए तोड़फोड़ आंदोलन को लेकर केस दर्ज है। हालांकि कई बार सम्मन मिलने के बाद भी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। फिलहाल वार्षिक कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को 6 फरवरी की अंतिम तारीख दी है। माना जा रहा है कि अगर इस तारीख पर भी राज ठाकरे पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल सकता है। मुंबई में आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मेट्रो के लिए मंगाई गई 2 नई ट्रेनों का अनावरण किया। ये ट्रेनें मेट्रो लाइन 7 और 2A के लिए खास तौर पर मंगाई गई हैं। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में MMRDA चीफ RA राजीव ने इसे प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन बताया। बता दें कि यह पहली मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन है जिसे कोरोना काल में सभी चुनौतियों के बीच निर्मित किया गया है। जल्द ही इन ट्रेनों का ड्राई रन शुरू होगा। दहिसर से अंधेरी के बीच इन मेट्रो ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस अवसर पर नई मेट्रो ट्रेनों को मुंबई की प्रगति की नई शुरुआत बताया और इसके विकास में जुटी MMRDA के प्रयासों की भी सराहना की। मुंबई वाढते आहे, पसरते आहे, लोकसंख्या वाढते आहे, पण येणारी 2-4 वर्ष ही मुंबईसाठी खास महत्त्वाची आहेत। कारण जसं जनतेसाठी म्हणजे आपण म्हणतो सर्वसामान्यांना परवडणारी घरं इथं दिलीच पाहिजेत, पण परवडणारी घरं दिल्यानंतर त्या सर्वसामान्यांना घराबरोबर परवडणारी वाहतूक व्यवस्था सुद्धा देणं हे आपलं कर्तव्य आहे। आणि मग ही येती 2-4 वर्ष आहेत, या 2-4 वर्षामध्ये मुंबईची BST बस संख्या सुद्धा जवळपास 10,000 जाणार, मेट्रोचे मला असं वाटतं महत्त्वाच्या लाईन सुरू होतील। आपली पहिली लाईन कधी सुरू होणार मेट्रोची? मे जून 21 या वर्षी राजीव जी म्हणतात या वर्षीच्या मे जून पर्यंत आपली मेट्रोची पहिली लाईन सुरू होणार। एका बाजूने कोस्टल रोड सुरू आहे, दुसऱ्या बाजूला शिवडी नावाशेवा आहे, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडचं काम सुरू आहे, आणि आणखीन एक आकर्षण म्हणजे आपला समुद्री महामार्ग तो सुद्धा येत्या 2-3 वर्षामध्ये पूर्ण होतोय। नवी मुंबई पुलिस ने आज अंतर्राज्यीय बुलेट मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने गैंग के 3 सदस्यों सोहेल इम्तियाज शेख, सौरभ मिलिंद करंजे और अमोल ढोबले को दबोच लिया है। इनसे 44 बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जिनकी कीमत 1,30,000 बताई जा रही है। नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों की जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच की टीम की सराहना की। उन्होंने बताया कि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।